अच्छे होंगे और एकदम मजे में होंगे। और अभी हो रहा है शाम का टाइम, 4:30 बज गए हैं और मैं जा रही हूँ बाहर थोड़ा सा मेडिकल से, मुझे भी अपना सामान लेना था और मतलब कि और देख लूँगी जो भी लेना है, मुझे अपना एक दो सामान लेना था तो यहीं तक जा रही हूँ, ये मंगला से थोड़ा सा आगे तक। नानी कुछ लाना है? और अभी शाम का टाइम हो रहा था तो मैं सोच रही हूँ कि जाके कुछ सामान ले आती हूँ, मेरा कुछ पर्सनल सामान कई हफ्तों से खत्म है और हमेशा सोचती रहती हूँ लेकिन जा नहीं पाती हूँ। लेकिन फिर मैंने कहा ले आती हूँ, फिर होली आ जाएगी ना तो 4-5 दिन तो मार्केट बंद ही रहता है, कल के बाद जिस दिन जलना है उस दिन खुला रहेगा और उसके दूसरे दिन से फिर 4 दिन या 5 दिन के लिए बंद हो जाता है। इस मोहल्ले में मेरी एक भी फ्रेंड भी नहीं है, मुझे हर जगह अकेले ही जाना पड़ता है। पुराने मोहल्ले में मेरी सारी बेस्ट फ्रेंड छूट गई। कमजोर हो चुकी है, मुझे बादाम खाना शुरू कर देना चाहिए क्योंकि सुबह से जिस चीज़ के लिए सोच रही थी ना कि मुझे शाम को जाना है तो ये चीज़ें लेके आनी है। मेरा ना फेस वॉश ख़त्म हो गया था, क्रीम ख़त्म हो गई थी और ये सारी चीज़ें ख़त्म थी तो मैं सोच रही थी आज जाके, एक हफ्ते पहले से ख़त्म है और आज लेने का नंबर आया तो यहाँ से निकल याद आया कि मैं तो फ़ोटो ही नहीं लेके आई। मैंने यहाँ घर से सोचा था कि फ़ोन में फ़ोटो ले लूँगी और ले आऊँगी। अब लो जो सामान नहीं लेना था ना, देखो वो इतना सारा ले आई हूँ, इसका सामान का कोई लेना नहीं था, मैं नानी ने बताया था ये मैं अपने मन से ले आई हूँ देख के कि हाँ है इन इन चीज़ की ज़रूरत पड़ जाएगी। और ये जो मेन सामान था वो भूल आई, वो नहीं लेके आई, जिसके जो ज़रूरी चीज़ हो जाती है वो भूल जाते हैं। नानी ये लॉक ही देखो सही है, छू के देखो तुम सही है, कड़ी है हाँ। मेरा नाखून बड़ा ही वजह से चला जाता है, बनाने लायक तो है ना, वरना थोड़ी सस्ती दे दी 5 रुपए तो मिल गई। और इस पन्नी में ना मैं आज अपनी फेवरेट चीज लेके आई हूँ और जो लेने गए थे वो तो लेके नहीं आई, तो मैंने जो पैसे लिए थे ना मैंने इसमें डाल दिए, 100 रुपए की लेके आई हूँ। फेवरेट चीज क्या है आप लोगों को पता ही है, अच्छी से आइसक्रीम। काका सीजन तो थोड़ो है, अरे बीमार का है, थोड़ो ले बीमार, अरे खाओ कुछ नहीं होता। बस जो सब्जी फल वगैरह लेके आई थी, मैं ले आई थी ये मुझे दिख जाते हैं ना रास्ते में तो मैं ले लेती हूँ कि चलो ले लेते हैं घर में काम ही आएगा, तो बस मैं ले आई थी वैसे सब्जी और अभी कुछ रखी हुई थी लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा बहुत ले लिया था और उन्हीं को धुल के रखा है। उसके बाद आ गई हूँ छत में, ये चटाई धुलनी थी, इसमें मैंने आलू के पापड़ बनाए थे ना तो उस वजह से थोड़ा ऑयल लग गया था और ऑयल की वजह से ना इनमें से स्मेल आने लगती है तो फिर मैंने इसको धो डाला। नानी धोने के लिए बोल रही थी कि धो डालो नहीं तो ये कोई बैठेगा तो उसके कपड़ों में लगेगा, फिर मैंने इसको अच्छे से रगड़ के और धुल डाला। मैंने इस मैट को धुल तो दिया है, ये यहाँ फर्श में बिछती है ना तो गंदी भी बहुत हो रही थी, बहुत ब्लैक ब्लैक पानी निकल रहा था, तो मैंने कहा चलो ये भी धुल गई। और उसको धुलने के बाद यहाँ पर मैंने तुलसी की पत्ती डोड़ी है क्योंकि नाना जी को जुकाम हो गया तो वो तुलसी की पत्ती वाली चाय बोल रहे थे कि काली मिर्च और लौंग वगैरह डाल के बनाओ तुलसी की पत्ती डाल के चाय। कितनी सारी तुलसी की पत्ती, श्यामा तुलसी की पत्ती काली काली होती है, वैसे हरी हरी होती है ना, काली होती है रामा गोरी होती है। देखो हमने तो एक जन आई थी तो बता रहे थे कि 5 प्रकार की होती है तुलसी, तुलसी का एक पेड़ 5 प्रकार का होता है, तुलसी होती है 5 प्रकार की।
बहुत से लोग ना अभी भी ऐसे कमेंट्स मैंने कई पढ़े हैं कि आप किस चीज़ के एग्जाम दे रहे हो, तो मैं बता दूँ बीए सेकंड ईयर के एग्जाम दे रही हूँ मैं। और पहले जब मौसी लोग बीए कर रही थी ना, उस टाइम पे क्या था कि बीए का रूल अलग था कि बस साल में एक बार आपको एग्जाम देने होते थे। लेकिन अब क्या है कि थोड़ा सा रूल चेंज हो गया, अब ना सेमेस्टर बना दिए गए, 3 साल के अंदर 6 सेमेस्टर हैं और वो 6 सेमेस्टर हम पास कर लेते हैं तभी पूरा हमारा बीए कंप्लीट माना जाएगा। अगर किसी एक सेमेस्टर में भी हम फेल हो जाते हैं तो वो हमारी पैक लग जाए, फिर से हमें उसी के पेपर देने पड़े। मेरा अभी ये 3rd सेमेस्टर के एग्जाम हो गए हैं और 4th के अभी परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो सेकेंड ईयर वाला, तो मतलब कि ऐसे सेमेस्टर बना दिया गया है। और कुछ मैंने ऐसे भी कमेंट्स पढ़े, लोग ये पूछ रहे थे कि तुम्हारे एग्जाम कब खत्म हुए, और एग्जाम खत्म हो जाए तो मौसी के पास चली जाना, रमा मौसी के पास दिक्कत है। वो तो मुझे भी पता है कि उन्हें दिक्कत है, और एग्जाम खत्म हो जाते तो मैं इतने दिन रही हूँ तो कुछ दिन और रहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, अगर दिक्कत होती तो मौसी को मैं चली जाती, दिक्कत है। लेकिन फिर क्या, एग्जाम तो मेरे फरवरी में ही ख़त्म हो गए थे, 19 फरवरी को मेरा लास्ट पेपर था, उसके बाद मेरे सारे पेपर ख़त्म हो गए थे। लेकिन क्या है कि यहाँ पर भी आप लोग देख रहे हो ना, दिक्कत है नानी को, नानी के पास भी कोई नहीं है, सब लोग, और नाना है तो वो यहाँ से वहाँ दवाई लेने में, तो कभी दवा लेके आते हैं ग्वालियर की, तो कभी वहीं से, कहीं उनके पेट में दिक्कत रहती है आपको पता ही है, तो उस वजह से वो भी रुक नहीं पाते, कहीं बाहर जाना आना पड़ता है। तो नानी के पास भी नहीं कोई था, तो फिर मौसी बोली कि हम तो यहाँ अपना देख लेंगे, नानी को ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि वो उठ बैठ भी नहीं पाती हैं, फिर मैं नानी के पास ही रुकेंगी, तो मैं चली जाती मौसी के पास क्योंकि दिक्कत होने। लोग बोल रहे थे कि एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, रमा दीदी के पास चले जाओ, रमा दीदी के पास चले जाओ, वो अकेले हैं, उनको दिक्कत है, तो चली जाती। लेकिन अब यहाँ भी दिक्कत है ना, तो नानी मौसी तो ऐसा है कि चलो फिर भी अपना कर लेंगी थोड़ा बहुत, लेकिन नानी तो ऐसा है कि वो उठ के अपने लिए खाना भी नहीं बना पाएंगी ना, तो इस वजह से फिर मैं रमा मौसी के यहाँ नहीं गई हूँ अभी, नानी को ज़्यादा ज़रूरत थी मेरी। तो बस मैंने क्या बता दूँ, एग्ज़ाम को लेके ही पढ़े थे। और कई लोग पूछ रहे थे आपके कैसे एग्ज़ाम है, परसों की वीडियो में मैंने ऐसा कमेंट्स पढ़ा था कि आपके ऐसे एग्ज़ाम है 2 महीने से कंटिन्यू चल रहे हैं, अभी तक आपके एग्ज़ाम नहीं ख़त्म हुए। लाइट ऑन कर दो, अभी जा रही हूँ चाय बनाने, तुलसी की पत्ती तोड़ के लगे धुल के चाय बनाने जा रही हूँ। और यहाँ पर ये भैया भी आ गया कपड़े लेके, जो मैंने फिटिंग के लिए डाले थे कपड़े, मैं लेने गई थी ना तो उनके हुए नहीं थे, तभी एक मैं रह गया था, तो मैंने कि ठीक है जब आपके हो जाए तो आराम से भिजवा देते ना, तो अभी आ गए, कल इनको फिटिंग देख लूँगी, चेक कर लूँगी एक बार पहन के। और अभी हो रहा है रात का टाइम, सबका खाना पीना हो चुका है, और खाना वाना खाने के बाद मैंने बर्तन धो लिए, किचन पूरी साफ़ करी, और मेरी ना एक आदत हो गई है यहाँ पर खाना सब लोग जल्दी खा लेते हैं 9 बजे तक, मैं 9 बजे खाना खा लेती हूँ, उसके बाद ना मुझे 11 बजे 12 बजे तक फिर से भूख लगती है रात में। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम, तो सुबह सुबह मैं आई हूँ छत में, छत का लॉक खोला, थोड़ा देर ना धूप में सुबह आ जाओ छत में, और हल्की हल्की धूप लगती है, ठंडी ठंडी हवा, बहुत अच्छा मौसम होता है ना सुबह, मन करता है, मतलब कि जब तक छत में नहीं आते हैं ना तब तक एनर्जी नहीं आती है। और उसके बाद मैं थोड़ा सा टहली और यहाँ पर चिड़ियों के लिए दाना डाला, जो नानी डेली डालती हैं, कभी मैं डाल देती हूँ कभी नानी डाल देती है। और आज मैंने बाहर वाली रूम की ये अलमीरा पूरी साफ़ कर डाली है, क्योंकि पेपर में बहुत डस्ट हो रही थी, पेपर गंदे हो रहे थे, तो फिर मैंने कहा चलो चेंज कर देते हैं, क्योंकि होली का टाइम है, कोई ना कोई आता रहता है, सारे पेपर देख रहे हो अब नीचे फटे फटे से हो गए थे। और कुछ तो हमारे नाना इसको बहुत गंदा करते हैं, सच बता रही, सारी दवाई ववाई अपने कागज़ वगैरह सब यहीं रखते हैं, पूरी फैला देते हैं, 2 दिन नहीं होते हैं, देखना अभी इतना सेट करके रख रही हूँ
दूसरे दिन आप देखना वैसे की वैसी मिलेगी, पेपर फट जाता है। चश्मा रख देंगे और चश्मा को उठाएंगे तो पेपर ही उठा लेते हैं, साथ में घसीट लेते हैं तो पूरी बिगड़ जाती है। और इस वजह से तो फिर मैंने कहा चलो चेंज कर देते हैं, कोई आकर जाता है तो अच्छा नहीं लगता है ना, सामने पेपर फटे फटे हैं। और कुछ भी यहाँ पर रंगीन कागज़ वगैरह बिछा दो और वो ऐसे बिछाए जाते हैं कि परमानेंट 2-3 महीने बिछे रहें और उनको चिपका देते हैं। लेकिन हमारे नाना क्या है कि ऐसे सामान रखते हैं कि वो पेपर ही फट जाता है बीच से, तो फिर हमने सिंपल पेपर बिछाना ये शुरू कर दिया। तो बस चलिए इसी के साथ करती हूँ अपना ये वाला वीडियो एंड। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे न्यू वीडियो ब्लॉग आपको आगे ऐसे ही मिलते रहें। और मेरी वीडियो आपको अगर पसंद आ रहे हैं तो आगे भी और शेयर कीजिए लोगों को। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर और हैप्पी होली एडवांस में आप सभी को। बाय बाय।